किस आधार पे, और अधिकतर व्हाट्सएप फेसबुक पे ही चल रहा है कि बहन जी की सरकार बनानी है, सरकार बनानी है, तो किस आधार पे बहन जी की सरकार आप लोग बना रहे हैं? देखें, जहां तक आपकी बात है जी, ऐसे तो नहीं है जी, हमारे हम दिल्ली प्रदेश की ही बात करें जी, तो हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं, सेक्टर कमेटी तैयार है जी। अरे साहब, इससे अंदाज लगाइएगा आप लोग कि हमारा सब कुछ तैयार है जी। कि जो बूथ की बात माननीय कांशीराम साहब ने कही, माननीय बहन जी कह रही हैं कि हम यदि अपने बूथ से अपने उम्मीदवार को जिता देते हैं जी, तो वो जीतता चला जाएगा जी। मैं अपने बूथ की जिम्मेदारी निभाऊंगा जी। तो हमें उतने लोगों की, 3 लोग तो कम से कम जरूरी है जी। एक अंदर के लिए, एक उसके लिए रिलीवर के लिए जी, और एक अपना बाहर टेबल पर तो और लोग भी बैठ जाते हैं। और जो ये लोग डराते हैं भाई, आपके चुनाव आचार संहिता में क्या लिखा है, मैं अभी उससे पूर्णतः वाकिफ नहीं हुआ हूं, लेकिन पहले ये हमको झंडा नहीं लगाने देते थे पार्टी का, लेकिन 3x2 का इस तरह का झंडा स्वीकार था, चुनाव आयोग को लगा सकते हैं, और मैंने जाकर के बूथों पर लगवाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बूथ पर मजबूत नहीं है, हम बूथ पर मजबूत हैं जी। और किस तरीके से मजबूत हो पाएंगे वो बताइए। हाँ, और अच्छा कह दो। देखिएगा, वो तो जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपने पार्ट पर ज्यादा जिम्मेदारी लेता हूं जी, कि मेरे जैसे लोगों को और अपने बूथ के साथियों को कट्टरता पैदा करनी होगी उनमें जी, मानसिकता उनकी कट्टर बनानी होगी जी, कि अगर हमारा भला हो सकता है जी, तो अपने उम्मीदवार को इस बूथ पर जिता कर भेजने में ही होगा जी, तो मैं उस प्रयास में लगाऊंगा, और हमारे और साथी भी और इस तरह की नेचर का काम करें जी, इस तरह का मेरा उनसे भी निवेदन है, क्योंकि माननीय बहन जी हैं जी, हमारी परिपक्व नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लोकसभा उन्होंने देखा है, राज्यसभा उन्होंने देखा है, 4-4 बार मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े प्रदेश पर उन्होंने देखा है, अनुशासन प्रशासन करके उन्होंने चलाया है, उनके शासन में तो जो आईएएस आईपीएस की लॉबी होती है, क्योंकि आईएएस आईपीएस सरकार चलाया करते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो चलाता है, जो हमारा मिनिस्टर होता है वो उनको योजना बनवाने में मदद करता है या योजना देता है, लेकिन उसको चलाने में आईएएस आईपीएस की लॉबी ज्यादा कारगर होती है। तो जो आईएएस आईपीएस थे माननीय बहन जी के शासन काल में, तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई, मतलब बहन जी अनुशासन प्रशासन में एक नंबर की हैं। तो मुझे मेरे साथियों को, बूथ के आदमियों को, बूथ के माध्यम से वहां की जनता को भी जाकर के ये समझाना होगा, और समझा रहे हैं कि भाई जब बहन जी एक नंबर की है अनुशासन प्रशासन चलाने में, सारा देश मानता है, विदेश मानता है जी, तो फिर केंद्र की सरकार में माने बहन जी को लावे और पूरे देश का अनुशासन प्रशासन माने बहन जी को सौंप दें, तो संविधान के मुताबिक देश चलेगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं ना कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास जी। बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम।